तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एरे फॉर्मूला। जी हाँ, एरे फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही सिंपल कह सकते हैं। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि एरे फॉर्मूला सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल काफी है, समझ में ना आए तो 10 एग्जाम्पल भी कम पड़ेगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले थे, जैसे कि आपने इफ पढ़ लिया, एज पढ़ लिया, और पढ़ लिया, विल का पढ़ लिया, इसलिए का पढ़ लिया। बट एरे फॉर्मूला कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है। तो क्या है एरे फॉर्मूला, चलिए हम समझते हैं। तो मैं एक एक्सेल सीट आपके सामने ओपन कर रहा हूं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया 1 2 3 4 5। अब इसी को आप एक सेल में एरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप यहां कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 लिख के कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दे, तो बाकी में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को एरे कहा जाता है। मतलब कि कई सेल का फॉर्मूला हम एक सीट में लगा सकते हैं। अब बोलेंगे इसका बेनिफिट क्या है, तो आपको याद होगा इसका बेनिफिट हमने वी लुकअप में बताया था। एक और बेनिफिट आप देख लीजिए, जैसे कि मेरा नाम है सुजीत, मैं चाहता हूं इसको हर एक सेल पे अलग अलग लेटर में लिखना। तो अगर मैं मैनुअल फॉर्मूला लगाता हूं, यहां पे मैनुअल इक्वल, मैं लगाया मिड का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि पहले से एक लेटर अलग कर दो, तो एस अलग हो गया। फिर हम बोलते हैं वापस मिड फॉर्मूला, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि दूसरे से एक अलग कर दो, अगेन मिड फॉर्मूला, और इसको सिलेक्ट करके हम बात करते हैं कि तीसरे को एक लेटर अलग कर दो। फिर अगेन हम बोलते हैं मिड फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया, हम बोल यहां पे बात कर रहे हैं कि चौथे से एक लेटर अलग कर दे, अगेन मिड फॉर्मूला, हम इसको सिलेक्ट किया और बोला कि पांचवे से एक लेटर अलग कर दे। फिर वापस हम यहां पे मिड का फॉर्मूला लगाया और हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि छठे से एक लेटर अलग कर दे। आपने देखा कि हमने मिड फॉर्मूला लगाया। अब सारे मिड फॉर्मूले में, अब यहाँ पे देखिए मिड का फॉर्मूला दिख रहा है कि सारे मिड फॉर्मूले में सब कुछ कॉमन है, सब सीक्वेंस ही बन रहा है ना। तो इस तरह से एक एक सेल पे फॉर्मूला लगाने से बेनिफिट है कि हम इसको सेलेक्ट करें। और मैं यहां कर्ली ब्रैकेट में देता हूं, सॉरी कर्ली, माफ कीजिएगा, मिड का फॉर्मूला लगाता हूं। मिड का फॉर्मूला लगाया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कर्ली ब्रैकेट में जो आप बताया था सीक्वेंस नंबर, वो सीक्वेंस नंबर दे देते हैं, कॉमा, कंट्रोल शिफ्ट। जो फॉर्मूला हमें 6 बार अलग अलग सेल में लगाना पड़ा, उस फॉर्मूले को हम एक ही बार में यहां लगा दिए और 6 सेल में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, कोई फ्रीजिंग का झंझट नहीं। सर ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 लगाया ना, उसके बाद जो कॉमा करके एक है, तो उसका क्या रीजन है? सर यहाँ आपने इसमें इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा आपने। हमने बोला कि पहले से एक लेटर लेना है, फिर हमने बोला दूसरे से एक लेटर लेना है, तीसरे से एक लेटर लेना है। अब आप बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम ऑफिस में थोड़ी कुछ करेंगे। तो याद है आपको कि मैंने आपको एक पैन कार्ड का फॉर्म बताया था शुरुआती में, याद है? अब पैन कार्ड फॉर्म में अगर मान लीजिए आपको कि हर एक सेल में इस तरह से फिल करना, तो मैनुअली एक एक फिल करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्या सुरेंद्र जी? मैनुअली करना मुश्किल हो जाएगा ना।
तो हम एक अलग सेल पे, एक अलग कहीं सीट पे हम नाम लिखेंगे और मिड कॉमा लगा देंगे तो ऑटोमेटिक अलग अलग खाने में अलग अलग लेटर डाल देगा इंडिविजुअली। इसको ट्राई करके देखिएगा सर, ठीक है। हेलो, अब चलिए एरे, ये तो एरे का मैंने एग्जांपल समझाया कि एरे करता है क्या। अब एरे के देखते हैं, एरे के बेसिकली दो पार्ट होता है। पहला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हमने इनपुट को कर्ली पे रख दिया, अब जिसको जो चाहिए वन बाय वन वो दे रहा है। जैसे इसको वन चाहिए, पहले पोजिशन पे है, वन दे दिया, या दूसरे पोजीशन पे है तो टू दे दिया, तीसरे पोजीशन में थ्री दे दिया, चौथे पे फोर दे दिया, पांचवे में फाइव दे दिया, और यहां पे सिक्स दे दिया, दे दिया। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन क्या है? तो मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स में मान लीजिए 20 ऐड करना है, सारे नंबर्स पे 20 ऐड करना है। तो यहां पे हमने रहा, अब मुझे सारे नंबर में कुछ कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई बाय मुझे 15 करना है, फिर इसमें इसको जो है डिवाइड बाय 3 करना है, फिर इसमें मुझे प्लस प्लस 50 करना है, देन इनको अगेन मुझे डिवाइड बाय 4 करना है। तो इंडिविजुअली करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया, इसमें जो रिजल्ट आया उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस करेंगे 50। इंडिविजुअली सब में प्लस 50 करना है, एक में नहीं। एंड आफ्टर दैन इसको डिवाइड करना है 4 से, और फिर इसमें हमें प्लस इसको सम कर लेना है। रिजल्ट आ गया 475। 475 को कैलकुलेट करने के लिए हमने इतना सारा सेल्स को यूज किया, कैलकुलेशन प्रोसेस को यूज किया, बट एरे के अंदर हम चले तो इसको सिंपली हम कर सकते थे। हमने लिया और सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट किया, वुड मास मेथड यूज करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 15, जो वापस ब्रैकेट देते हैं इसको, और इस ब्रैकेट को बंद 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 करते हैं, और इसको डिवाइड बाय 3, वापस ब्रैकेट लाते हैं, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, प्लस 50, वापस हम ब्रैकेट को लेते हैं, इस ब्रैकेट यहां पे बंद करते हैं, और करते हैं डिवाइड बाय 4। अगर 40 है डिवाइड बाई 4 होना चाहिए था ना। चलिए आ गया सर रिजल्ट। तो आपने नॉर्मल वे में यूज किया तो आपने इतने लंबे कैलकुलेशन में यूज किया, बट एरे इसको एक सेल में कर दिया। अब एरे परफॉर्म कैसे किया इस चीज को देखने के लिए आपको एवलेट फॉर्मूला पे जाना होगा। जैसे यहां पे देखिए, नंबर्स को 15 से डिवाइड किया, 3 से 15 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड,
then plus 50 and thus divide by 4 and after that sum kar liya. Array samajh mein aa raha hai aapko Surinder ji, Sunil ji and Praveen ji? हाँ जी सर, हाँ जी ये रहा ना. कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर. चलिए तो एरे के दूसरा पार्ट आपने समझ लिया, पहला था डिस्ट्रीब्यूट और दूसरा हमने क्या बताया कैलकुलेशन और तीसरा होता है स्टोरेज. जी हाँ स्टोरेज. अब स्टोरेज क्या होता है चलिए हम बताते हैं आपको. तो जैसे कि इसी पे बताते हैं, जैसे कि मेरे पास यहां पे कोड है और यहां पे सिटी. तो यहां पे मैं करता हूं कोड 1 1 2 2 3, यहां पे 3 3 4 4, ऐसा और भी कोड हो सकते हैं. यहां पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहां पे चेन्नई. ठीक है, ऐसे और भी चीजें भी है. तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे सिटी कोड लिखूं और यहां पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे चीज आ जाए. ठीक है, इसके लिए हम मतलब वी लुकअप लगाएंगे. सिंपली आपको दिमाग में आया कि हम वी लुकअप लगा लेते हैं. बट प्रॉब्लम एक और है कि चलो वी लुकअप आपने लगा लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं डेटा को अपनी सीट पे नहीं रखना चाहता. मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा किसी सीट पे हो. मैं चाहता हूं डेटा मेरा फॉर्मूले के अंदर हो या कहीं और. तो बोलेंगे सर इसके लिए तो फिर हम ए लगा लेते हैं, इफ फॉर्मूला. तो यहां पे हम इफ ना लगा के, क्योंकि इफ क्योंकि चार है तो इफ कर लेंगे, लेकिन चार से ज्यादा हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला देंगे किसका, वी लुकअप का. और हम वी लुकअप के अंदर ही डेटा को स्टोर कर देंगे इस फॉर्मेट में. अब इसको स्टोर करने से पहले जान जाइए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया था, हमने इसके लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखे थे ना. तो जो कॉमा होता है वो कॉलम को सेक्रेट करता है, 1 2 3 4 5. अगर हम सेमी कॉलम देते हैं 6 7 8 9 10, अब ये सेमी कॉलम रो का पार्ट होता है. एंटर मारिए, जहां से सेमी कॉलम था वहां से टूट के अगली रो में आ गया. सेम कंसेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं कि वी लुकअप, इसको लिए कर्ली ब्रैकेट में 1 1 1 1 हमने यहां पे दे दिया दिल्ली, फिर सेमी कॉलन 2 2 मुंबई, फिर सेमी कॉलन 3 3 कोलकाता, और इसी तरह से आप दे दीजिए.
फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा टू कॉमा जीरो। ओके सर, मुंबई आ गया, वन वन कीजिए दिल्ली और थ्री थ्री दीजिए कोलकाता। तो इस तरह से एरे फॉर्मेट में हम डेटा को भी सेव कर सकते हैं। समझे? कोई डाउट सर? तो एरे के तीन कंसेप्ट है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कैलकुलेशन और तीसरा है स्टोरेज। तो जैसे कि आपने बोले कि सर लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहां जो है इसको कॉपी कर लीजिए और आप चले जाइए डिफाइन नेम में और यहां पे डेटा नाम या जो भी नाम दे दीजिए और जो कर्ली ब्रैकेट में जो हमने लिखा था उसको इक्वल देके यहां पे लिख दीजिए। देन ओके, अब मैं यहां पे जो है सिंपल वी लुकअप लगाऊंगा और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे देता हूं डेटा 2.0। तो डेटा किसी सीट पे नहीं रहा, डेटा चला गया नेम मैनेजर में। ओके, क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? तो अब आप क्या कीजिए, आपको आपको पढ़ना होगा बुक, अब आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी। तो आपको जो है एक मेल में एक बुक मेल कर रहा हूं, उसके उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको चैप्टर में वो बुक जो है वो एरे का चैप्टर है, इसमें 14 नंबर चैप्टर जो है एरे का चैप्टर है, अब इसके कंटेंट में देख लीजिएगा, उसमें जाइए और एरे के एरे का जो चैप्टर उसको पढ़िए। ठीक है, सुनील जी आपको भेज दिया, सुरेंद्र जी आपको भी भेज दिया और प्रवीण जी आपको भी भेज दिया, आपको यही ना सर? प्रवीण जी पी कुमार है, पी कुमार वाला है ना? ठीक है सुरेंद्र जी।